हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आई एस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ डिसम्बर सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ जनरल कैटेगरी कमीशन तो ये एक पर्टिकुलर कमीशन है इसको सेटअप किया जाने का अप्रूवल है जो दे दिया गया है बाई द पंजाब कैबिनेट राइट सो so, ये कमीशन काम क्या करेगा ये कमीशन इसका मेजर काम ये है इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अनरिजर्व क्लासेस सो अनरिजर्व क्लासेस का इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने का इसके पास मेजर ऑब्जेक्टिव है रोल है ऑल्सो इसके अलावा इसका ये काम मेक श्योर कि प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स को चला के रखा हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर अब इस कमीशन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहा था काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे जो भी एम्प्लॉयज थे जो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से जो अनरिजर्व क्लासेस हैं बिकॉज उनके इंटरेस्ट जो है, वो प्रोटेक्ट uh, नहीं किए जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा दे वर नॉट गेटिंग वॉट एवर द इंटरेस्ट दैट आर देयर उनको वो प्रॉपर मिल नहीं रहे थे राइट right? सो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंस्टिट्यूट अ कमीशन ऑन द पैटर्न ऑफ गुजरात तो ऐसा गुजरात में भी इस तरीके से कमीशन सेटअप हो चुका है टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ क्लासेस ऑफ जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए और इसी के ऊपर जो है इसी के पैटर्न के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट में भी अब ये कमीशन आने वाला है uh, इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी और उसका अप्रूवल अब मिल चुका है राइट सो इट वॉज अ स्मॉल सिंपल न्यूज आगे चलते हैं देखिए हम लोग बात करेंगे अभी कि लुधियाना जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं उन्होंने पद्मश्री दिया है इसको हैंड ओवर किया है टू तो दी प्रोफेसर आ, करतार सिंह सो so, प्रोफेसर करतार सिंह को ये अवार्ड दिया गया रिसीव दिया हैंडओवर हैंड ओवर किया गया बिकॉज हिज हेल्थ इज नॉट दैट एट दैट लेवल जहाँ पे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये अवार्ड रिसीव करें बट वही चीज जो है वो आ, जो डिप्टी कमिश्नर है वरिंदर कुमार शर्मा उन्होंने हैंड ओवर कर दिया प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड टू गुरमत संगीत लेजेंड प्रोफेसर करतार सिंह ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट सर सर समथिंग रिलेटेड टू पद्मश्री और ये जो पद्मा सीरीज अवार्ड्स होते उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है राइट सो so, अभी इनको अवार्ड दिया गया प्रोफेसर करतार सिंह जी को अवार्ड दिया गया है ये और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स राइट तो पद्म अवार्ड 2021 में आ, ये हर साल दिए जाते हैं इट इज़ एनुअली अनाउंस्ड और सेवेंटी सेवेंटी रिपब्लिक डे वाले दिन जो है इसको uh, uh, जो है दिया जाता है जो भी uh, लोग uh, इसके हकदार होते हैं उनको दिया जाता है राइट सो दीज व्हाट आर पद्म सीरीज अवार्ड सो so, ये जो अवार्ड होते हैं ये अनाउंस होते हैं एनुअली, कब रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं और इनको फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया था इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस पे ये आए थे इन uh, 1954 में एग्जिस्टेंस इनका देखा जाता है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से ये कंसिडर किए जाते हैं पद्म सीरीज अवार्ड के अब ये कैटेगरी कौन कौन सी होती है जैसे पद्मश्री तो करतार सिंह जी को मिला है इसके अलावा और भी कोई कैटेगरी होती है पद्म सीरीज अवार्ड के अंदर यस देर आर कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पद्मश्री तो चलो इट इज़ डिस्टिंगश सर्विसेस के लिए दिया जाता है पद्म भूषण जो है ये दिया जाता है सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर की कैटेगरी के अंदर पद्म विभूषण जो है वो दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग सर्विस के अंदर सो so ये जो कैटेगरी है अवार्ड की पद्म विभूषण ये हाइएस्ट आती है पद्म सीरीज कैटेगरी के अंदर ठीक है उसके बाद आता है पद्म भूषण एंड लास्ट में आता है पद्मश्री राइट सो पद्म, right? so पद्म विभूषण की कैटेगरी जो है टॉप है उसके नीचे भूषण एंड देन पद्मश्री राइट चलिए अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखने वाली है कि इस बार किसको किसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले वो बहुत सारे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा याद रखना है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट सिविल्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स की कैटेगरी के अंदर तो उसको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्यू पद्म विभूषण अवॉर्डी जो है जैसे शिंजो ऐ जो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं श्री एस पी बाला सुब्रमण्यम मनोपरांत uh, इनको मिला है उसके अलावा डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े ये मेडिसिन से uh, बिलोंग करते हैं फील्ड से उसके बाद श्री सुदर्शन साहू जो है ये आर्ट इनका बैकग्राउंड है आर्ट्स का बैकग्राउंड है ठीक है तो ये हमारे प्रीलिम्स स्टेट प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है राइट हमने कैटेगरी भी देख ली कि कौन कौन सी कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं ये इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं यस नाउ आपने सुना होगा भारत रत्न तो भारत रत्न जो है ये जो सिविलियन कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट होता है दैट इज भारत रत्न सो so भारत रत्न पद्म विभूषण से भी ऊपर होता है ये होता है हाईएस्ट सिविलियन मिलिट्री ऑनर ठीक है हाइएस्ट सिविलियन मिलिट्री ऑनर राइट और ये दिया जाता है इन रिकोगनाइजेशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाइएस्ट ऑनर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवर ठीक है और इसको जो है बेसिकली ये दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेड जो रिकमेंडेशन मेड की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न जो है अवार्ड करते हैं इसमें एक क्लॉज और भी है ये क्लॉज ये कहता है कि जो भारत रत्न अवार्ड होना चाहिए शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ थ्री इन अ पर्टिकुलर ईयर एक साल में तीन से ज्यादा अवार्ड नहीं दिए जाने चाहिए ऐसा कहा जाता है ऐसा इसके अंदर क्लॉज है राइट right? इस तरीके का भारत रत्न अवार्ड है अब नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलम्स फॉर योर मीनस हर तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वी आर टॉकिंग अबाउट सिखिजम में जो ये मुद्दा होता है दैट इज सेक्रिलिज जिसे हम बेअबी कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो मुद्दा है ये अभी दोबारा से लाइमलाइट में आया है और वैसे तो ये बेअदबी के मामले उस टाइम पे काफ़ी जगह देखे गए थे साइमल्टेनियसली लेकिन गोल्डन टेम्पल में ये रिसेंटली देखा गया और अगेन इट केम इन टू हाईलाइट राइट सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू और इस इशू के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस सेक्ट्रिलेज या बेअदबी इस इसमें क्या होता है कि जब आ, जो सिखिज्म में जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है जो गुरु ग्रंथ साहब जी है इनको इसको हम लोग जो सिख जो कम्युनिटी है दे टेक इट एज अ लिविंग गुरु राइट तो इसकी जब डिसरेस्पेक्टफुल होगी ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल एक्टिविटी एक्ट होगा तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेअ इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्ट्रल एज का सिखिज्म में ये लार्जली इस बेसिस पे आता है कि सिख कंसिडर दिस पर्टिकुलर गुरु ग्रंथ साहिब टू बी अ लिविंग गुरु जो मैंने अभी आपको बता दिया दे कंसिडर दैट गुरु ग्रंथ साहिब और हर चीज एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द गुरु ग्रंथ साहिब इज हाईली हाईली सेक्रेड ठीक है इंक्लूडिंग जैसे दस्तार है ना फिर उसके अलावा पगड़ी फिर उसके अलावा हेड गेयर जो सिक्स पहनते हैं और साथ ही साथ किरपान जो हो गई स्वाड ठीक है जो कैरी करते हैं इसके अलावा हेयर और बियर्ड जो मेंटेन की जाती है सिक्स के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ये सेक्रेड मानी जाती है ठीक है और अगर इसको अगर टच किया जाता है या फिर डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैक्रेलेज राइट तो इसको हमने पढ़ लिया इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये जो गुरु इज कंसिड टू बी अ लिविंग एंटिटी गुरु ग्रंथ साहिब उसको लिविंग एंटिटी माना जाता है सो तो कोई भी हार्म पहुंचाया जाएगा या डिसरेस्पेक्ट की जाएगी तो वो एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि अगर सिख रिलीजियस ट्रेडिशन और प्रैक्टिस के अंदर सिखों का जो ट्रेडिशन है प्रैक्टिस हैं उसमें भी कोई चेंज करने की कोशिश करेगा ठीक है तो वो वो चीज भी क्या हो जाएगी सैक्रिलेज का पार्ट हो जाएगी ठीक है सो so अगर हम लोग सैक्रिलेज इंसिडेंट इंसिडेंट्स की बात करें अभी तो ठीक है अभी तो हमारे सामने की बात है लेकिन इससे पास्ट में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सैक्रिलेज के इंसिडेंट्स हुए हैं कंट्री के अंदर वो कहां पे हुए वो पंजाब के अंदर ही हुए हैं राइट सो so ये एनसीआरबी का डेटा है एनसीआरबी इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसने ये कहा है दैट 2018 से 20 तक का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो पंजाब का जो रेट ऑफ क्राइम है रेट ऑफ क्राइम नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन लैक्स ठीक है रेट ऑफ क्राइम की बात करें जो रजिस्टर हैं अंडर इस सेक्शन के कौन सा सेक्शन है 295 से लेके 297 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड व्हिच डील विद द सेक्रिलेज वॉज द हाइएस्ट So, देखिये दो टू सेक्शन और टू तक के जो सेक्शन हैं आई के वो बेअदबी के मामलों में डील करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पंजाब में क्राइम रेट हुआ है वो इस मामले में 2018 से 20 में सबसे ज्यादा पंजाब में हुए हैं इस कैटेगरी के मामले राइट तो इतना आप ध्यान रखिए इसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक सेक्शन देख लेते हैं जो अभी देखा 295 तो हमने देख लिया टॉक अबाउट 297 नाइन्टी टू नाइनटी सिक्स ऑल्सो दैट वॉट एक्सैक्टली इट टॉक्स अबाउट सो देखिये जितने भी इंसिडेंट होते हैं सेक्रेलेज के पंजाब के अंदर उसमें अगर सेक्रिलेज का मामला है तो उसमें जो पुलिस है वो या तो सेक्शन टू नाइनटी फाइव रखती है उसके अलावा टू नाइनटी फाइव ए भी है आई पी सी की ये मेजर सेक्शन है आई पी सी के जब भी इस तरीके के मामले देखे जाते हैं सो so, टू नाइन्टी फाइव सेक्शन के अंतर्गत या अधीन जो है दैट इज दो साल की इम्प्रेजनमेंट जो है वो देखी जाती है इन द सेक्शन और इसके जिसमें अगर हम देखें तो एक और सेक्शन है दैट इज 295 नाइनटी फाइव ए दैट प्रोवाइड फॉर ऑफ इम्प्रेजनमेंट ये बोलता है तीन साल की सजा जेल फॉर द डेलिबरेट एंड मलिशियस इंटेंशन ऑफ आउटरीजिंग रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ दिटिजन राइट तो ये दो साल और तीन साल की सजा का इसमें प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है राइट सो लॉज इससे रिलेटेड हमने ये देख लिया अब वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड यह होना चाहिए ऑब्वियसली हमारा जो पंजाब है दैट इज अ बॉर्डर स्टेट राइट सो यहां पर कम्यूनल हार्मोनी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल सोसाइटी को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि एक कम्युनल हारमनी भी रहे डिसहारमनी रहेगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है बहुत मुश्किल यू नो दंगे फसाद हो जाएंगे तो इट्स बेटर टू मेंटेन द कम्युनल हारमनी एंड जो भी ये सेक्रलेज की कैटेगरी के अंदर एक्ट आता है अटेम्प्ट आता है किसी भी इंसान का उसको एक प्रॉपर डेटरेंट पनिशमेंट शुड बी गिवन सो दैट कि ऐसा कोई आगे जाके कदम ना उठाए राइट बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी दोनों को एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट करना पड़ेगा राइट ऐसा नहीं है जो अभी आ, हुआ जहाँ पे सिविल सोसाइटी जहां पर लोगों ने सोसाइटी ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स में आके उस इंसान की हत्या कर दी तो वो चीज़ जो है फिर अगर वैसा ही हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगी राइट फिर लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं Uh, सामने नहीं आएंगे लॉ एंड ऑर्डर फिर खराब हो जाएंगे राइट right? तो ये सारी चीजें हैं अब देखिए एक और जो मुद्दा है दैट इज स्मॉल छोटा सा न्यूज है पंजाब स्टेट के रिगार्डिंग कि पंजाब में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मतलब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक डेटा बताया है वो डेटा ये कहता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने टू uh, सिक्सटी वन रोहिंग्या मुस्लिम्स जो उनके स्टेट में रह रहे हैं मेजरली डेरा बस्सी वाले एरिया में रह रहे हैं सो वहाँ पे उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स को उनको इकट्ठा कर लिया गया है टू सिक्सटी वन रोहिंग्या मुस्लिम्स का और इनको अपलोड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए ना ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इससे रिलेटेड जो बैक स्टोरी है रोहिंग्यास के बारे में वो इंपॉर्टेंट है पंजाब में भी रोहिंग्या मुस्लिम्स का एग्जिस्टेंस है डेरा बस्सी वाले एरिया में ठीक है सो so, उनके बारे में हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि हु आर रोहिंग्यास रोहिंग्यास जो है दे आर एथनिक ग्रुप जो मोस्टली क्या है हु आर मोस्टली मुस्लिम्स राइट तो इनको अभी तक भी म्यांमार गवर्नमेंट ने फुल सिटीजनशिप नहीं दी है म्यांमार का इंटरनेशनल फोरम्स uh, के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक uh, 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 जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा बेज़ती हुई एम्बैरसमेंट म्यांमार को फेस करना पड़ा बिकॉज़ दे डिट ट्रीट दीज पीपल रोहिंग्याज को इन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इनफैक्ट पंजाब के कुछ ऐसे एन हैं जिन्होंने आ, इन रोहिंग्या मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जाके म्यांमार के रकाइन रीजन के अंदर बहुत मुश्किल से सपोर्ट किया बांग्लादेश के बॉर्डर्स में जाके खाना पानी पूरा किया इंडिया के बॉर्डर्स में जाके खाना पानी पूरा किया तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए बट म्यांमार गवर्नमेंट ने आ, अभी तक भी उनको फुल सिटीज़नशिप ग्रांट नहीं की है और इनफैक्ट उनको क्लासिफाई किया जाता है रेसिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन्स इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम एंटोनियो गटरेस है इन्होंने रोहिंग्यास के बारे में ये कहा था दैट दीज आर वन ऑफ इफ नॉट द वन इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड तो ये काफी ज्यादा ये एक स्टेटमेंट रोहिंग्यास के लिए बोली गई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के थ्रू दैट इज वन ऑफ इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड राइट सो एथनिकली देखा जाए दे आर मच क्लोजर टू इंडो आर्यन पीपल जो इंडिया में है और बांग्लादेश में देन दिनो तिब्बतियन ऑफ द कंट्री राइट तो इतना आप याद रखेंगे सो so, आज हमने कंप्लीट कर लिया है वी हैव कंप्लीटेड सो I hope you like this session. And if you have any doubt, any query, you can comment down below. Uh, keep liking and keep sharing this session. Thank you.